हाय गाइस, सबसे पहले तो हमारे सुनील ठाकुर ब्लॉग चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और जैसे कि वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा अंत तक जरूर देखें। हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग वीडियो। तो आज देख सकते हैं कि बटेश्वर नाथ धाम जाने वाले हैं और हम आ पहुँचे हैं, गोड्डा तरफ से जा रहे हैं। तो अभी पीरपैंती स्टेशन के पास पहुँचे हैं और देख सकते हैं कि ट्रेन जा रही है, तो हम लोग रुके हुए हैं 10 मिनट के लिए। जैसे ही ट्रेन यहाँ से निकलेगी वैसे ही हम लोग भी यहाँ से निकलेंगे। और आप लोग देख सकते हैं ये फाटक उठ जाएगा, देख सकते हैं गाइस, फाटक जैसे उठाया गया जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारा भीड़ों का बौछार लग गया था। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग अब निकल चुके हैं। देख सकते हैं आप लोग कि इधर से जा रहे हैं, तो इधर देख सकते हैं कि ट्रेन अभी भी जा रही है। तो हम लोग यहाँ से मतलब दूसरा तरफ से रास्ता गुजर रही थी, तो उधर से ही जा रहे थे, एक तरफ से ट्रेन एक तरफ से रास्ता। और यहाँ पर देख सकते हैं मथुरापुर लिखा है, एक स्कूल भी है जो कि उसी तरफ से गुजरती है, वो रास्ता है और इधर से लेकर चलती है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स कि ट्रेन दूसरा रूट में चली गई और हम लोग जा रहे हैं दूसरा रूट में। तो आइए देखते हैं रास्ता किस तरफ से गुजर चुकी है। तो अब पहुंचने वाले हैं हम लोग, देख सकते हैं कि रास्ता बारिश होने के कारण पूरा कीचड़ से भर गया है, इसीलिए हम लोग दोनों भाई जा रहे हैं। और आप लोग देखिए अब पहुंचने वाले हैं, ये रहा मुख्य द्वार बटेश्वर नाथ धाम का। देखिए यहाँ पर लिखा भी है कुछ, और इधर से बड़ा बड़ा एक पहाड़ तरफ से दिखता है, तो वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। देखिए गंगा नदी अब पहुँचने वाले हैं, किस तरह से लग रहा है, कितना सारा दुकानें हैं, किधर से जाता है, वो सारा चीज़ इस वीडियो पर पता चलने वाला है। तो आप लोग पूरा वीडियो को देखें और मज़ा लें। और ये था एक द्वार और दूसरा द्वार अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं। देखिए इधर से किस तरह से लग रहा है ट्रांसफार्मर, और बहुत सारा गाड़ी, अनेक गाड़ियाँ भी लगी हुई हैं। और गंगा नदी में कितना पानी है और किस तरह से बाढ़ की तरफ आ रहा है, बहुत ज़्यादा। तो देखिए हम लोग घुस रहे हैं मेन द्वार पर, और चलिए आइए दिखाते हैं पूरा वीडियो को। आइए पहले इस तरफ से दिखाते हैं किस तरह से। तो गाइस देख सकते हैं कि हम लोग बटेश्वर नाथ धाम आ पहुँचे हैं, और चलिए आगे का सीन दिखाते हैं आप लोगों को। इस साइड देख सकते हैं ये रहा और ये मार्ग, इधर देख सकते हैं कुछ कुछ दुकानें भी हैं यहाँ पर मौजूद, आओ दिखाते हैं। इधर से देख सकते हैं किस तरह से नदियाँ में गंगा नदी का पानी बह रही है। तो गाइस आप लोग देखें, और बहुत ही दूर दूर तक जहाँ तक आप लोगों को नज़र जाएगा देख सकते हैं कि सिर्फ पानी ही पानी है। कुछ बोलो तुम। हाँ गाइस, तो देख सकते हैं तो बारिश होने के कारण पानी इतना ज़्यादा बढ़ गया है। देखिए किस तरह से ऊपर आ चुका है, बहुत ही ज़्यादा ऊपर आ चुका है। और इस साइड से देखें, और देख सकते हैं इधर बहाव का तेजी किस तरह का है। अरे यार पानी, तो कितना सारा दुकानें हैं और कौन कौन सी दुकानें हैं, कैसा है, तो चलिए आइए दिखाते हैं पूरा वीडियो पर आप लोगों को। तो इस तरफ से एक रास्ता है, बहुत बड़ा एक पहाड़ है और बहुत ऊपर में भी घर है, दिखाते हैं किधर से चढ़ता है। तो ये रहा सीढ़ी ऊपर चढ़ने का, ये पहाड़, और ये रहा मुख्य द्वार। और इधर देख सकते हैं कि होटल है एक दुकान, और चलिए आइए दिखाते हैं अंदर घुसकर आप लोगों को। देख सकते हैं बेल्ट वाला दुकान, और किसी को घर अगर लेना है गंगा जल, तो देख सकते हैं जर्किन मौजूद है यहाँ पर, बिक्री होता है दुकान पर, अनेक अनेक जर्किन मिल जाएगा आप लोगों को, डिब्बा छोटा छोटा। और देख सकते हैं अनेक तरह का दुकान है जो कि अभी बंद है, कुछ खुला है कुछ बंद है, बहुत सारी दुकानें हैं फल सब्जी का। तो आइए चलिए आगे दिखाते हैं आप लोगों को। देख सकते हैं यहाँ पर छोटा छोटा गाड़ियाँ आती जाती हैं, और देख सकते हैं यहाँ पर फोटो वगैरह का दुकान है, सिंदूर टिकली का। और देख सकते हैं कि फ्रेंड्स रास्ता कितना कीचड़ हो गया है। तो फ्रेंड्स बारिश होने के कारण देख सकते हैं कि रास्ता पूरा कीचड़ से भर गया है, और इसी रास्ते में सबको चलते हैं। और आइए चलते दिखाते हैं आप लोगों को गंगा नदी पहुँचने वाले हैं मुख्य द्वार के पास। आप देख सकते हैं इधर से बहुत कीचड़ है, आइए दिखाते हैं, बहुत सारे दुकानें आते हैं आप लोग देख सकते हैं। और आइए दिखाते हैं कि यहाँ पर जहाँ नहाने वाला घाट है वो किस तरफ से है। तो चलिए फ्रेंड्स देर ना करते हुए आइए चलते दिखाते हैं। तो देखिए गाइस कितना सारा यहाँ पर घंटी वगैरह जितना है, शंख वंख जितना, सब सारा सामान मिलता है। और इधर देख सकते हैं अब पहुँचने वाले हैं फ्रेंड्स, तो आप लोग देखें। और वीडियो पर जितने भी आदमी हैं, जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आप लोगों को कौन सा कलर पसंद है, लाल हरा ब्लू, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं।
और चलिए आइए, देर ना करते हुए आप लोगों को दिखाते हैं कितना सारा प्रसादी दुकानें भी हैं। और इधर देख सकते हैं सिंदूर और जरकिन का दुकान है, डिब्बा का। और देख सकते हैं जिसका मुझे था इंतज़ार वो अब आ चुकी है। और क्या देख सकते हैं कि सामने गंगा नदी है, गंगा नदी कि जिसको देखने के लिए हम लोग 60-70 किलोमीटर बाइक से चलकर आए हुए हैं। देख सकते हैं फ्रेंड्स कि पानी कितना लबालब भरा हुआ है और कितने सारे लोग नहाते हैं। इस देख सकते हैं ये घाट है और बहुत ही अच्छा मंदिर है। इधर बगल में देख सकते हैं यहाँ शिव मंदिर है और कितने सारे लोग स्नान आदि कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं, आप लोगों को बताएंगे कि इस वीडियो पर जानेंगे कितना सारा पानी है। आप लोग में से कौन कौन यहाँ पर आए हुए हैं जो कि बटेश्वरनाथ धाम देख सकते हैं। अभी तो कुछ कम भीड़ नज़र आ रहा है क्योंकि अभी दोपहर का टाइम है और देख सकते हैं आप लोग सिर्फ पानी ही पानी नज़र आ रहा है। और बहुत ही दूर तक देख सकते हैं आप लोग, जितना ही दूर नज़र दौड़ रहा है सिर्फ पानी ही पानी और थोड़ा बहुत गंदा भी है और बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है जिसका कि अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा मतलब यानी कि था नहीं मिलेगा आप लोगों को, अगर इस पर कूद के अगर नहाया जाए तो था नहीं मिलेगा। और यहाँ पर देख सकते हैं कितने सारे लोग नहाने के लिए स्नान आदि कर रहे हैं। और आप लोग चाहे तो यहाँ पर नहा के देख सकते हैं, सब सारा चीज़ें फल फलाली प्रसादी सब चीज़ मौजूद है। और वहाँ बगल में शिव मंदिर भी है, जो लोग चाहे तो आप लोग पूजा वगैरह भी कर सकते हैं। आइए चलिए दिखाते हैं इस तरफ का नज़ारा। तो गाइस वीडियो देखने में कैसा लग रहा है, तो फाइनली हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर आ पहुँचे हैं और ये बटेश्वर नाथ धाम का मंदिर है। और आप लोग देख सकते हैं कि जितना नहीं सोचे थे उससे भी कई ज़्यादा पानी है और बरसात हुई है इधर, बहुत ही ज़्यादा पानी है देख सकते हैं आप लोग। और इतना पानी हुआ है कि आप लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं और बहुत ही सिर्फ पानी से पानी भरा है, कितना गंदा पानी लग रहा है। लेकिन इस गंगा नदी का पानी अगर बोतल में भर के रख लिया जाए तो कभी भी कीड़ा नहीं लगेगा, कभी नहीं लग सकता है कीड़ा, क्योंकि लग ही नहीं सकता है क्योंकि वो एक पवित्र नदी है और एक गंगा नदी माना गया है। तो आप लोग पूरा वीडियो को देखें और आइए दिखाते हैं आप लोगों को सारा चीज़ दिखाएंगे इस वीडियो पर। दुकान किधर है, किधर पानी है, कितना सारा शंखा पोला चूड़ी डिब्बा डिब्बी बहुत सारा वगैरह वगैरह का दुकान भी आया है और वहाँ तक नज़ारा आप लोग देख सकते हैं कहाँ तक पानी है। चलिए आइए नीचे उतर कर दिखाते हैं आप लोगों को सीढ़ी पर। और चलिए आइए देखते हैं, देखिए नीचे पानी कितना झकास लग रहा है एकदम पूरा छूने में। अभी पानी हाथ में लेने के बाद बहुत ही अच्छा लगता है गाइस, आप लोग देखें। और ये रहा देखें, कुछ कुछ टुकड़े इतना लहर मार रहे हैं ना कि मत पूछिए, उधर से इतना लहर मतलब बहुत जोरों का बाढ़ टाइप का आ रहा है उधर से बहकर कुछ कुछ। और देखिए कितना सारा किनारा में लगा हुआ है और दूर में देखिए आप लोग घर का बगल में है, वो घर आधा डूब चुका है कौन चीज़ से, आप लोग देख सकते हैं कौन चीज़ से, यानी कि खोटा भाषा में बता रहे हैं आप लोगों को। तो इस डूबा हुआ है, आप लोग देखिए पूरा वीडियो को। और अभी हम लोग नहाने के लिए आए हुए थे और चलिए दिखाते हैं आप लोगों को यहाँ से हट के थोड़ा। और इधर इस साइड में देख सकते हैं गाइस कि सिर्फ पानी इतना है कि पूरा किनारा भर चुका है। तो गाइस वीडियो को शेयर करें, एक लाइक जरूर कर दें, अगर जो लोग नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लें गाइस। तो आप लोग देख सकते हैं कि फ्रेंड्स आज हम बहुत दूर आ पहुँचे हैं और बहुत दूर नहीं देख सकते हैं कि बटेश्वर नाथ धाम जो कि ये गंगा नदी पड़ता है और यहाँ पर हम आए हुए हैं। और दिखाते हैं आप लोगों की बहुत ही सिर्फ पानी मतलब इतना दूर सीढ़ी पर चढ़ चुका है कि बहुत ही मतलब आप लोग देख सकते हैं गाइस, इस साइड देख सकते हैं यहाँ से कि बहुत दूर तक दूर सिर्फ पानी ही पानी लबालब भरती थी। और यहाँ पर देख सकते हैं कि सीढ़ी जितना है भर चुका है और बहुत लोग नहा रहे हैं सुना रहे हैं। तो देख सकते हैं कि यहाँ तो स्नान आदि करने वाली जगह है, तो आप लोग देख सकते हैं पूरा फुल वीडियो देखिएगा तो आप लोगों को सारा चीज़ समझ में आ ही जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं सिर्फ पानी ही पानी मतलब आ रही है। तो आप लोगों को चलिए और दिखाते हैं, अभी हम लोग स्नान आदि कर चुके हैं और इधर देख सकते हैं कि सीढ़ियाँ में बहुत काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी लगी हुई है। और चलिए आप लोगों को दिखाते हैं कि दुकान किस तरह से है और किधर किधर से देख सकते हैं ये है सीढ़ी घाट। तो इधर से लोग नहाते हैं इस साइड, तो चलिए दुकान हम लोग नहा चुके हैं। अब ये देख सकते हैं कि दुकान वगैरह सारा चीज़ खत्म हो चुका है, इधर से रास्ता है। तो अब हम लोग का खत्म हो चुका है, तब हम लोग घर की तरफ लौट रहे हैं। तो आइए चलिए दिखाते हैं बहुत सारी दुकानें किस तरह से।
बहुत ही कीचड़ जमा हुआ गाइस। इस तरह से यहाँ पर ये बटेश्वर नाथ धाम है और यहाँ पर जो है कि मतलब बहुत ही कीचड़ जमा हुआ है और जो कीचड़ यहाँ पर देख सकते हैं कि दुकान वगैरह किधर, बाइक किधर है लारा ले क्या साफ लोग देख। तो गाइस जिसको जिसको बोटिंग का मजा लेना है तो वो इस साइड का किनारा आए और बोटिंग में चढ़ें और बहुत ही इंजॉय और मस्ती करें। आइए दिखाते हैं आप लोगों को, देखिए वो रहा नाव और वो नाव बहुत ही दूर मतलब इस लैंड से उस लैंड तक जाएगा और बहुत ही मज़ा आता है जो लोग देख सकते हैं। और बगल में देख सकते हैं इस साइड भजन हो रहा है जो कि कीर्तन भजन 24 घंटा का अभी लगातार लगाया गया है, वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। और देख सकते हैं कितना सारा लोग एक नाव में भरे हैं और कितना सारा दूर से एकदम सिर्फ पानी ही पानी नज़र आ रहा है गाइस, देखने में तो बहुत ही लाजवाब लगता है। और ये जो गंगा नदी है बहुत ही बड़ा लग रहा है देखने में, बहुत बड़ा विशाल, आप लोग देखिए वहाँ तक किनारा किस तरह से लग रहा है। तो चलिए आइए दिखाते हैं आप लोगों को, तो देख ही चुके होंगे। और ये रहा कीर्तन भजन जो ऊपर में हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं इधर से एक रोड है बगल में और इस रोड का बगल में देख सकते हैं हम उसी रोड पर खड़े हुए हैं। और वीडियो को आप लोग एक लाइक जरूर करो, अगर जो लोग चैनल को नहीं किए हैं सब्सक्राइब तो भी कर लो और भी दिखाएंगे, हमारा नोटिफिकेशन आप लोगों को तो तुरंत पहुंचेगा। तो चलिए आइए दिखाते हैं इस साइड से किस तरह से घुसना पड़ता है। तो यही था वो रोड, देख सकते हैं आप लोग इस तरह से मतलब निकलता है और इसी यही मुख्य द्वार है, मेन द्वार। अगर जो बटेश्वर नाथ धाम आते हैं तो इस मेन द्वार से आप लोग घुस सकते हैं और उधर का सीन आप लोगों को दिखा ही चुके हैं। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं ऊपर पहाड़ में पूरा घास ही घास उगा हुआ है और कुछ कुछ पेड़ पौधे भी हैं और हरा भरा बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। देख सकते हैं गाइस कि बगल में गाड़ी रखने का सुविधा भी बहुत अच्छा से दिया गया है, तो आप लोग आएँ घूमें मस्ती करें इंजॉय करें। और देख सकते हैं इधर गंगा नदी आप लोगों को दिखा चुके हैं। तो फिर से एक नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। थैंक यू गाइस, धन्यवाद।